हेलो फ्रेंड्स, क्या आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है? क्या आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। मैं आपको इस वीडियो में LIC की प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना के बारे में बताऊंगा, जिसका टेबल नंबर है 856। ये LIC का प्लान 26 मई 2020 से अवेलेबल है। तो चलिए, शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम पुनीत नागपाल है। बाय प्रोफेशन मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ। मैं आपका हमारे चैनल नागपाल इन्वेस्टमेंट्स में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा लाइफ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स की वीडियोस रेगुलरली आपको मिलती रहे, तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं अपनी वीडियो लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, इस पॉलिसी के एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। मिनिमम एंट्री एज 60 इयर्स, यानी कम से कम 60 साल की उम्र होनी चाहिए तभी ये पॉलिसी करवा सकते हैं। मैक्सिमम एंट्री एज की कोई लिमिट नहीं है, 60 साल से ऊपर तक ऊपर का व्यक्ति कोई भी पॉलिसी करवा सकता है। मैक्सिमम डिपॉजिट 15 लाख्स। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना में जितनी भी पॉलिसीज पहले आई हैं या आगे आएंगी, उसमें मैक्सिमम आप 15 लाख डिपॉजिट कर सकते हो। यानी अगर आपने पहले से 10 लाख रुपए एक पॉलिसी में डिपॉजिट करवाया हुआ है, तो आप इस पॉलिसी में सिर्फ 5 लाख रुपए डिपॉजिट कर पाएंगे। पॉलिसी टर्म है 10 इयर्स का। मिनिमम पेंशन है मंथली 1000, क्वार्टरली 3000, हाफ ईयरली 6000, एनुअल 12000। मैक्सिमम पेंशन जो हम ले सकते हैं वो है मंथली 9250, क्वार्टरली 27750, हाफ ईयरली 55500 और ईयरली 1,11,000। तो चलिए, अब इस पॉलिसी के बेनिफिट समझते हैं। पहला है पेंशन पेमेंट। इस पॉलिसी में रेगुलर पेंशन मिलती है 10 साल तक, जो कि इसका पॉलिसी टर्म है। पेंशन मोड्स जो अवेलेबल हैं वो है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, जैसा कि मैंने आपको बताया। पेंशन पेमेंट जो है वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में NEFT या आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से मिल जाती है हमें। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ पेंशन जो हमें मिलेगी वो डिपेंड करेगा कि अगर हमने मंथली मोड चूज किया है तो हमें 1 महीने बाद पहली पेंशन मिलेगी, अगर हमने क्वार्टरली मोड चूज किया है तो 3 महीने बाद, हाफ ईयरली मोड के केस में 6 मंथ्स के बाद, और ईयरली मोड अगर हमने चूज किया है तो 1 साल के बाद पहली पेंशन मिलेगी। अब बात करते हैं इसके मैच्योरिटी बेनिफिट की। पॉलिसी टर्म है 10 इयर्स। जैसे ही पॉलिसी टर्म कंप्लीट होएगा, तो जो भी परचेज प्राइस यानी डिपॉजिटेड अमाउंट है और जो लास्ट पेंशन अमाउंट है वो पॉलिसी होल्डर को मिल जाती है। डेथ बेनिफिट की अगर बात करें, तो अगर इस दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो नॉमिनी या लीगल हेयर्स हैं उनको जो भी डिपॉजिटेड अमाउंट है वो मिल जाता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कि इस पॉलिसी में क्या पेंशन रेट्स हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे, इस समय बैंक्स में फिक्स डिपॉजिट्स जो हैं वो 5 से 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हो रहे हैं। ऐसे में ये पॉलिसी में आपको ईयरली 7.66% का रेट मिल रहा है। अगर आपने हाफ ईयरली मोड चूज किया है तो 7.52% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्वार्टरली मोड में 7.45% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर हमने मंथली मोड चूज किया है तो भी बहुत ही अट्रैक्टिव रेट 7.40% हमें मिलता है। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रिव्यू किए जाएंगे और बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर में डिसाइड किए जाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि हमें कितना इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या पेंशन अमाउंट मिलता है। मान लीजिए हम 1,62,162 रुपीज डिपॉजिट करते हैं, तो हमें मंथली 1,000 पर मंथ का पेंशन मिलता है। अगर हम 1,61,074 अमाउंट डिपॉजिट करेंगे तो 3,000 एवरी क्वार्टर हमें पेंशन मिलेगी। इन केस वी डिपॉजिट 1,59,574, देन विल गेट 6,000 हाफ ईयरली पेंशन। और अगर हमें एनुअल पेंशन लेना है 12,000 का, तो हमें डिपॉजिट करना है 1,56,658। मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि ये मिनिमम इतना डिपॉजिट हम करेंगे तो ही इस पॉलिसी को करवा सकते हैं।
अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि हम मैक्सिमम कितना डिपॉजिट कर सकते हैं और हमें उसमें क्या पेंशन अमाउंट मिलेगा। मान लीजिए हम 15 लाख रुपीज डिपॉजिट करते हैं तो हमें 7.4% के हिसाब से 9,250 रुपीज पर मंथ पेंशन मिल जाएगी। अगर हमें क्वार्टरली पेंशन लेना है 7.45% के हिसाब से, जो कि है 27,750, तो उसके लिए परचेज प्राइस यानी डिपॉजिटेड अमाउंट होगा 14,89,933 रुपीज। इन केस वी वॉन्ट अ हाफ ईयरली पेंशन ऑफ 55,500, देन वी विल हैव टू डिपॉजिट 14,76,064 रुपीज। अगर हमें ईयरली पेंशन लेना है तो हमें 14,49,086 रुपीज डिपॉजिट करके 1,11,000 पर ईयर पेंशन मिल सकती है। अब हम बात करते हैं सरेंडर वैल्यू की। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी को एक ही कंडीशन में सरेंडर किया जा सकता है, अगर पॉलिसी होल्डर या उसके स्पाउस के साथ कोई क्रिटिकल इलनेस आ जाती है तो उसी केस में हम इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। सरेंडर करने पर हमें 98% ऑफ डिपॉजिटेड अमाउंट LIC से मिल जाएगा। लोन की अगर बात करें तो 3 साल के बाद इस पॉलिसी में लोन ले सकते हैं। मैक्सिमम लोन जो हम ले सकते हैं वो है 75% ऑफ परचेज प्राइस, यानी डिपॉजिटेड अमाउंट का 75% तक हम लोन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मैं जल्दी आपसे दोबारा मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।